हेलो गाइस, यहाँ मिस्टर नो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। सभी जानते हैं यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल चैनल है, वह आप इसको चाहें तो हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर भी टाइप कर सकते हैं। यह हमारी 10 बजे की जो निःशुल्क क्लास होती है उसका एक अंश है, मतलब क्लास है पूरी। उससे पहले हमारी 9:30 पर जो डिक्टेशन हो चुकी है उसके बाद में दूसरी डिक्टेशन 10 बजे होती है हमारी। सभी तैयार हो जाइए, रेडी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, अन्य समाजों से सताए गए लोग यहाँ आए और फले फूले। हमारे यहाँ पारसी हैं और उनका योगदान बहुत है। हमारे पास कानूनी विद्वान और उद्योगपति हैं। हमारे पास विधि का शासन कायम रखने वाले विधि विशेषज्ञ लोग हैं और आप उनका योगदान जानते हैं। एक मुस्लिम शिक्षाविद का भी जिक्र किया जिन्होंने भगवद गीता का अनुवाद किया। उन्होंने पवित्र पुस्तक के उर्दू अनुवाद से एक पंक्ति का जिक्र करते हुए भगवान कृष्ण की इस बात पर प्रकाश डाला कि अलग अलग मार्ग के बावजूद सभी धर्मों की शीर्ष सत्ता एक ही है। इसलिए हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और सिख धर्म सभी एक ही ईश्वर की तरफ जाते हैं। न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, मैं ऐसे संस्थान का नेतृत्व कर रहा हूँ जो विधि के शासन को कायम रखता है और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। मुझे लगता है कि हम समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा में सक्षम हैं। मेरा संस्थान नागरिकों के अधिकारों को कायम रखने में सक्षम है। कुछ खास अधिकार नागरिकों के लिए भी हैं और हम अधिकारों की रक्षा में सक्षम है। भारत एक विशाल देश है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सब दृष्टिकोण की बातें हैं। जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र है किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हालांकि वह असहिष्णुता पर बहस के राजनीतिक पहलुओं पर टिप्पणी से बचें और कहा, सियासी लोग इसका कैसे उपयोग करते हैं मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का आदेश अपराध नहीं रोक सकता। अपराध मानव जीवन का हिस्सा रहा है, वह जब तक मानव है गतिरोध होगा, यह जारी रहेगा। हमारे यहाँ विधि का शासन है, जब तक विधि का शासन मौजूद है तब तक स्वतंत्र न्यायपालिका है और जब तक अदालतें अधिकारों तथा प्रतिबद्धताओं को कायम रखे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी से डरने की जरूरत है। न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, हम विधि के शासन बनाए रखने और समाज के सभी नागरिकों तथा सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। समाज के किसी वर्ग को कोई डर नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि कुछ अधिकार
आतंकवादी आतंकवादियों सहित गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं। कहा गया वे विधि के शासन के लाभार्थी हैं और उनके खिलाफ कानून के अनुरूप ही सुनवाई हो सकती है तथा तथ्य प्रक्रिया का पालन किए बगैर फांसी नहीं दी जा सकती। असहिष्णुता के मुद्दे और हालिया चर्चाओं से जुड़े सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए कहा, जहां तक हमारे सवाल हैं, हमारे सामने ऐसी बाधाएं नहीं हैं, हमने ऐसे पूर्वाग्रह नहीं हैं और हमारी ऐसी अनिच्छा नहीं है। हम सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। यह देश सभी धर्मों का घर रहा है और यहाँ तक कि जिन लोगों को अन्य देशों में सताया गया वे भी यहाँ फले फूले। आ जाइए सभी गूगल मीट पर आकर जो रीड करना चाहते हैं रीड आउट कर सकते हैं। हेलो गाइस।